हमारे हिंदू शास्त्र में हल्दी को बहुत ही शुभ माना गया है। कई शुभ कामों में हल्दी का उपयोग किया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि हल्दी को बृहस्पति देव से संबंधित माना गया है। तो वहीं ज्योतिष शास्त्र की माने तो हल्दी के कुछ खास टोटके अपनाने से व्यक्ति की किस्मत भी चमक सकती है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी से घर में धन की कोई कमी नहीं होती, साथ ही ये कई मुसीबतों से भी बचाती है। तो वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किस तरह हल्दी का उपयोग कर मुसीबतों से बचा जा सकता है। आपको बता दें कि कई बार वास्तु दोष की वजह से इसके घर में रहने से तरक्की नहीं होती। इससे बचने के लिए घर के मुख्य दरवाजे के बाहर हल्दी की सीधी रेखा खींच देनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि गुरुवार के दिन हवन करते समय उसमें चुटके भर हल्दी डालने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं होती है। तो वहीं अगर आप हल्दी की माला से किसी भी सिद्ध मंत्र का जाप करते हैं तो इससे बुद्धि का विकास होता है और ऐसा माना जाता है कि इससे बृहस्पति देव खुश होते हैं। तो वहीं ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य देव को हल्दी मिलाकर जल चढ़ाने से कुंवारी कन्या की शादी मन चाहे वर से होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वैवाहिक जीवन भी इससे सुखमय हो जाता है और जिन लोगों को रात में सोते समय डरावने सपने आते हैं उन्हें इससे बचने के लिए अपने सिरहाने पर हल्दी की गांठ पर मौली लपेट कर रखना चाहिए। इससे डरावने सपने आना बंद हो जाते हैं। तो वहीं करियर में भी सफलता पाने के लिए नहाते समय पानी में थोड़ी हल्दी डाल लेना चाहिए। ये काम प्रत्येक गुरुवार को करने से काफी शुभ माना गया है। विवाह संबंधी कार्यों में सफलता पाने के लिए रिश्ता तय करने जाने से पहले माथे पर हल्दी का तिलक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हल्दी का उपयोग बहुत से शुभ कामों में किया जाता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि विवाह में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। हल्दी का लेप दूल्हा और दुल्हन दोनों को लगाया जाता है। इससे ऐसा माना जाता है कि वैवाहिक जीवन सुखमय होता है क्योंकि इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने से बृहस्पति मजबूत होता है। इससे बोलने की क्षमता भी बेहतर होने लगती है। तो वहीं आपको बता दें कि घर के मुख्य गेट पर हल्दी और गंगा जल से ये स्वास्तिक के निशान बनाना चाहिए। इससे घर में समृद्धि आती है और घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से श्रुति की रिपोर्ट।